बताओ यार, 27-28 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे फोन आया और चिपसेट यार तुम हल्के वाला यूज कर रहे हो, तो क्या ही फायदा यार फिर? पैसा बर्बाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Redmi Note 12 Pro 5G स्मार्टफोन को Oppo Reno 5G स्मार्टफोन के साथ में, और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आखिर कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूँ कि Redmi के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ Oppo के अंदर हमें 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि हमें AMOLED पैनल मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। लेकिन ना रिफ्रेश रेट को लेकर ना यहां पर Oppo ने कंजूसी करी है, क्योंकि सिर्फ 90 हर्ट्ज दिया है यार, एटलीस्ट 120 हर्ट्ज तो इन्हें देना ही चाहिए था। AMOLED कभी नहीं देता है। यहाँ पर तो भाई मैं Redmi की तारीफ करना चाहूंगा कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है, अच्छी बात है। और बात करें अगर हम स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर Redmi का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Oppo का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि ColorOS 12.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि दोनों ही कंपनियां यहां पर 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी प्रॉमिस कर रही हैं। और बात करें अगर हम यहां चिपसेट की, तो Redmi फोन के अंदर हमें Dimensity 1080 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Oppo के अंदर हमें Dimensity 1300 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के हिसाब से यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया है। लेकिन यार अगर आप एक गेमर है और गेमिंग के हिसाब से भी मेनली स्मार्टफोन लेना ना भाई, तब आप यहां पर Oppo की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि Dimensity 1300 भाई बढ़िया चिपसेट है, गेमिंग आपको मजेदार वाली करवा देगा। लेकिन यार Redmi ने यहां पर ना कंजूसी करी है यार, क्योंकि Dimensity 1080 यार 25,000 रुपए से ऊपर आने वाले फोन में भी यार ये चिपसेट दिया इस फोन ने यार, जमा जस्टिफाई नहीं कर रहा भाई। क्या ही फायदा यार अगर आप गेमिंग ना कर पाओ, वो भी Redmi जैसे फोन में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। और अब बारी आती है दोस्तों एंटूटू स्कोर की, तो यहाँ पर Redmi फोन का आता है 4,90,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन का आता है 6,75,000 के करीब। भाई बहुत ज्यादा फर्क है दोनों स्मार्टफोन्स के एंटूटू स्कोर में। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और जो इनका बैक कैमरा सेटअप है ना वो भी बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी का IMX766 सेंसर दिया गया है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और दोस्तों यकीन मानिए बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया हैं, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भाई वीडियो स्टेबलाइजेशन में फर्क है, क्योंकि Redmi का फोन तो यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, लेकिन यार Oppo का फोन यहां पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। यार इन्होंने यहां पर ना कंजूसी कर दी, सच बता रहा हूं मैं। यानी कि दोस्तों अगर आपको अच्छी वीडियो स्टेबलाइजेशन के हिसाब से भी स्मार्टफोन लेना है ना भाई, तब आप यहाँ पर Redmi की तरफ ही जरूर से जाइए। और अब बारी आती है यहाँ पर फ्रंट कैमरा की, तो Redmi के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ Oppo के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि भाई सेल्फी लवर के हिसाब से यहाँ पर Oppo का फोन ही बढ़िया है, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर Redmi फोन के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, वहीं दूसरी तरफ Oppo के अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है। यानी कि दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन लेना है ना भाई, तब आप यहां पर Redmi की तरफ ही जरूर से जाइए। और अब हम बात करते हैं दोस्तों फास्ट चार्जिंग की, तो यहां पर Redmi का फोन 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Oppo का फोन यहां पर 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि भाई फास्ट चार्जिंग के मामले में यहां पर Oppo का फोन विनर है। और अब बारी आती है दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, जिसमें Redmi का फोन 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Oppo का फोन 5G बैंड को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी वाले हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत आएगी तो सिर्फ 3.5mm जैक में, क्योंकि वो हमें Redmi फोन के अंदर तो दिया गया है, लेकिन यार Oppo फोन के अंदर हमें नहीं दिया गया है।
और ठीक उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें स्पीकर्स की, तो यहाँ पर रेडमी का फोन तो स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओप्पो का फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। और अब बारी आती है दोस्तों सिक्योरिटी की, तो रेडमी फोन के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ ओप्पो के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। यानी कि भाई सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पर ओप्पो का फोन ही विनर है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि Redmi फोन के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की कीमत है 27,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की कीमत है 30,000 रुपए। और दोस्तों अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यहां पर यार 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके ना Oppo की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको गेमिंग के हिसाब से एक बढ़िया चिपसेट मिल रहा है, साथ ही फ्रंट कैमरा भी एकदम बढ़िया वाला मिल रहा है, और ओवरऑल तो जो फोन बढ़िया है वो तो है ही है। लेकिन यार Redmi ने यहां पर ना कंजूसी कर दी, क्योंकि यार चिपसेट ना यार इन्होंने हल्के वाला लगा दिया। बताओ यार 27-28 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे फोन आया और चिपसेट यार तुम हल्के वाला यूज कर रहे हो, तो क्या ही फायदा यार फिर। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं।